6 of this exercise, exercise 13.1. In question number 6, a medicine capsule is in the shape of a cylindrical cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the its area. देखिए, ये मैंने कैप्सूल बना लिया, ठीक है। अब इस कैप्सूल में जो इसकी टोटल टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ इस कैप्सूल की कितनी है? 14 मिलीलीटर है। और इसकी जो डायमीटर दी है, मतलब जो द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की जो डायमीटर हमें दे दी, वो दे दी इसने 5 मिलीमीटर। क्लियर? ये इसमें गिविन है हमें। अब हमसे ये कहा गया है कि इसके जो मतलब ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर है, और इसके जो एंड पॉइंट है उससे क्या स्टक है, दो हेमिस्फीयर जोड़ दिए गए हैं। देखिए ये मैंने दो हेमिस्फीयर ले लिए, ठीक। तो ये जो दो हेमिस्फीयर हैं ये इसके एंड पर हैं, ये रहे देखिए, इनका कुछ इस तरह से शेप बनकर आएगा। ये मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना ये है इस क्वेश्चन में, फाइंड द सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया फाइंड करना। तो सरफेस एरिया बहुत इजी है फाइंड आउट करना। देखिए, एक बीच का पार्ट तो इसका कैसा है, मिडिल पार्ट इसका कैसा है, मिडिल पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है। देखिए, मिडिल पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है, थोड़ा डायग्राम में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा बड़ा छोटा दिखाई दे रहा, लेकिन ये दोनों जो हेमिस्फीयर हैं सेम है, ये मानकर चलो आप। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका जो एरिया फाइंड करेंगे, एक तो इसका सी एस से निकाल लो सिलेंडर का, ठीक, और एक आप इसका टू हेमिस्फीयर का सी एस से निकाल कर एड कर दो, तो सरफेस एरिया किसका गेट हो जाएगा, हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया गेट हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 में गिविन लिख दिया, गिविन में वी कैन राइट हेयर। देखिए, टोटल जो इसकी ये कितनी है, 5/2 हो जाएगी, यानी 2.5 मिलीमीटर, ठीक है, और ये इधर भी 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी, ये जो इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो अब क्या करें हम भाई, ये जो रेडियस होगी वो सिलेंडर की भी होगी और इसकी भी होगी, मतलब हेमिस्फीयर की, और ये इतना पार्ट जो होगा हमारा 2.5 मिलीमीटर होगा। ये यहाँ तक पूरी तो है ये भाई, ये यहाँ से अगर हम बात करें तो पूरी ये हमारी कितनी है, 14 है। थोड़ा और इसको इनक्रीज कर लो, ये पूरी 14 है। ऐसे यहाँ पर 2.5 हो गई मिलीमीटर, ये अगर मैं इससे ज्वाइन करूँ, ये ज्वाइन कर दूँ तो ये 2.5 है, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या लिख दिया हमने, देखिए, लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ बराबर 14 मिलीमीटर, क्लियर। और डायमीटर कितनी दे दी हमें, डायमीटर इसने दे दी भैया, डायमीटर दे दी 5 मिलीमीटर। अब बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन में। अब देखिए, हमें करना ये है, एक तो हम इसकी निकाल लेंगे, पहले तो हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पहले हम सिलेंडर की बात की हमने, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए 2.5 हम इधर से माइनस करेंगे और 2.5 हम इधर से माइनस करेंगे,
ये इतनी लेंथ जो होगी यही तो होगी सिलेंडर की लेंथ इतनी, तो यहाँ पर इसको हाइट से लिख दो या लेंथ से लिख दो, 14 में से 2.5 प्लस 2.5 जोड़कर माइनस कर दो। क्यों किया हमने ऐसा? देखिए 2.5 ये ले ली हमने और 2.5 ये ले ली, क्योंकि हमें किसकी लेनी है, इतनी लेनी है इतनी, अगर हम सिलेंडर की बात करेंगे तो इतनी लेनी है हमें इतनी हाइट, क्लियर। तो ये हमें मिल गया जी यहाँ पर 14.5 यानी 9 मिलीमीटर हमें किसकी हाइट आ गई, सिलेंडर की हाइट आ गई। और रेडियस इसकी सेम होगी, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे जो इसकी दोनों के लिए वर्क करेगी ना, ये जो डायमीटर है ये सिलेंडर के लिए भी वर्क करेगी और हेमिस्फीयर के लिए भी वर्क करेगी, तो 2.5 मिलीमीटर ये आ गए हमारे, क्लियर। अब हम बात करेंगे किसकी, हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर में देखिए, हेमिस्फीयर में ओनली रेडियस की बात करेंगे हम, तो रेडियस कितनी आ जाएगी जी, इसको R1 से लिख दो, इसे R2 से लिख दो, 2.5 ही इसकी रेडियस आ जाएगी, क्लियर है इतना। अब हमें करना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल की बात हो रही है यहाँ पर, बराबर क्या होगा बताओ, क्या अप्लाई कर दूँ मैं, क्या अप्लाई कर दूँ बताओ। तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा, देखिए जी मैं एक तो सिलेंडर का ले लूँगा सी एस से, किसका ले लूँगा सिलेंडर का सी एस से, और सेकंड में मैं किसका ले लूँगा टू मल्टीपल, देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस टू ब्रैकेट, टू क्यों लिया, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं, देख लो यहाँ चेक कर लो, सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी। अब बताइए क्या करें हम, अब कुछ नहीं करें, ओनली इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दें। देखिए यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, इसका हो गया 2 पाई आर एच और इसका हो गया 2 ब्रैकेट 2 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। अब बताओ, अब तो कुछ नहीं करना, ओनली वैल्यू रखनी। देखिए पहले तो हमें कॉमन मिल गया, यहाँ पर कॉमन क्या मिल गया, 2 पाई आर कॉमन मिल गया। जब 2 पाई आर कॉमन मिल गया तो हमें यहाँ ले लेते हैं कॉमन यहाँ ले लेते हैं, या यहीं ले लो कॉमन, 2 पाई आर हमें कॉमन मिल गया, तो इनसाइड हमें यहाँ तो एच मिला और यहाँ पर हमें 2 आर मिला। अब कुछ नहीं करेंगे, ओनली इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रखो वैल्यू 2 मल्टीपल पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, दी तो नहीं, पहले चेक कर लेते हैं, तो दी नहीं तो 22/7 पुट कर देंगे, ठीक है। आर की वैल्यू भी है भैया 2.5, अच्छा ये भी बात सही है तुम्हारी, तुम्हारी बात गलत नहीं है, चलो कर देते हैं फिर। यहाँ हमने सिलेंडर की ली थी आर वन और हेमिस्फीयर की आर टू ली थी, ठीक है आप क्लियर है, चलो तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो फिर, 22/7 आर की वैल्यू 2.5, एच की वैल्यू 9 प्लस 4, 22/7 आर की वैल्यू वी हैव हियर 2.5 स्क्वायर। अब तो कॉमन ले सकता हूँ ना, अब बिना लूँ कॉमन, चलो यहाँ पर ले ली मैंने कॉमन, क्या मिल रहा है मुझे 2 × 22/7, ठीक, और मल्टीपल 2.5 कॉमन मिल रहा है, इनसाइड देखो क्या रहा, 9 प्लस 2.5। देखिए मैं अगर इसमें बात करूँ कॉमन लेने की, तो देखिए पूरा पार्ट मुझे कॉमन मिल गया, यहाँ पर 2 था 2 जा तो 2 रह जाएगा, और ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, तो चलो 2 रह जाएगा, तो हम यहाँ पर हमारा
हमारा 9 है और यहाँ पर 2 मल्टीपल 2.5 है। अब ठीक है, स्क्वायर था ना, तो 1 2 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें मिल गया फाइनली जो हमें मिल गया, ये हमें मिल गया देखिए 2 मल्टीपल 22/7 × 2.5 और ये हमारा 14 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा 5 और 5 में 9 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। ये कितने टाइम गया, 2 टाइम चला गया। ये हमारा हो गया 88 × 2.5, डायरेक्टली कर दी मैंने 88 × 2.5 की 25 से मल्टीपल करके बताइए क्या गेट होगा। देखिए जीरो जीरो टू टू यानी 22 दो जीरो यहाँ पर लग जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया गेट हो गया। किसका सरफेस एरिया गेट हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सरफेस एरिया गेट हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।